हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अखिलेश कुमार फ्रॉम मास्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कई क्लास हो चुका है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद क्या है, लाइक और शेयर करें। अगर आप वर्ड और एक्सेल का भी क्लास सीखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उसका भी वीडियो टोटल इस चैनल पे लोड है, मास्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख कर सीख सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्रिएट मेनू। आज हम लोग क्रिएट मेनू पढ़ेंगे। इससे पहले कई क्लास हो चुका है। टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए टेबल बनाना सिखाए हुए हैं। उसके बाद क्या है, क्यूरी कैसे, स्टूडेंट क्यूरी कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे तैयार करते हैं स्टूडेंट सबका, वन वन करके सबको देख सकते हैं। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो टोटल हम लोग क्या है बना हुआ है, आप वहां से जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब जो भी है यहां पे है दिया हुआ, और टोटल हम लोग बता चुके हैं डिटेल से, इसलिए थोड़ा हेडिंग बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन का कौन सा काम है। एप्लीकेशन पार्ट में क्या है, देखिए ऑलरेडी इसमें क्या है, ब्लैंक फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ, ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, उसमें क्या है केवल आप डाटा फिट कर सकते हैं, फिट करके और प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। सपोज डेट यहाँ दिए, देखिए यहाँ पे सिंगल टू कॉलम्स आ गया, इसको क्या है ओपन करेंगे। उसके बाद क्या है, होम में जाएंगे, व्यू देखिए, डिजाइन व्यू इसका देख सकते हैं, डिजाइन व्यू है, इसको जिधर चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको लेआउट व्यू में देख सकते हैं, लेआउट व्यू में इसको जो भी देना है, जैसा बनाना है, फील्ड वन फील्ड टू जो भी बनाना है उसका नाम देंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, वो आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा। सब डाटा दिया हुआ है, केवल उसमें फीड करना है। क्लोज करते हैं इसको। इसमें बहुत सारा एक एक करके क्लिक करके आप देख सकते हैं, अगर पूरा बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। टेबल है, टेबल पे क्लिक करते हैं, क्या टेबल देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या है, टेबल इसमें बना सकते हैं, व्यू में जाइए, डिजाइन व्यू, टेबल का नाम देंगे और यहाँ पे फिर डाटा जैसे पहले बनाए थे उस तरह फिट करेंगे। उसके बाद फिर इसका डाटा सीट है, इसको फिर क्लोज करते हैं। ये सब पहले बता चुका हूँ। डिजाइन भी, टेबल डिजाइन बनाना है, टेबल डिजाइन तो इस तरह टेबल डिजाइन इसमें बना सकते हैं। और चाहते हैं आप, देखिए यहाँ पे डिलीट भी करना है, रो भी डिलीट वगैरह करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म है। उसके बाद शेयर पॉइंट है, शेयर पॉइंट में कॉन्टैक्ट शेयर करना है, ये सब टोटल इसमें दिया हुआ है, इवेंट वगैरह इसमें क्लिक करके आप बना सकते हैं। क्यूरी विजार्ड क्या है, क्यूरी विजार्ड भी हम लोग बहुत ही डिटेल से समझाया, जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्यूरी हम बनाए हुए हैं, टोटल जो भी डाटा लीजिएगा वो यहाँ से तैयार हो जाएगा, इसमें फिट करना है। और जिस किसी को हाइड अनहाइड करना है तो यहाँ से पहले सब कुछ बताया हुआ हूँ, यहाँ से कॉलम डिलीट रो करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ। ये टोटल इधर बना हुआ है, टेबल क्यूरीज फॉर्म रिपोर्ट्स टोटल, ये चार पे अगर कमांड हो गया तो पूरा समझिए कि एक्सेस कम्प्लीट है आपका। उसके बाद क्या है, क्यूरी विजार्ड हो गया, फॉर्म है, फॉर्म बनाना, जैसे इसमें फॉर्म पे क्लिक कीजिए तो बना बनाया आपका फॉर्म मिलेगा, उसमें केवल क्या डाटा फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए कुछ भी डाटा चाहिए यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इसका यहाँ पे जाकर लेआउट व्यू देखिए, लेआउट व्यू ऑलरेडी खुला हुआ है, डिजाइन व्यू में देखिए यहाँ पर इसको जिधर चाहे उधर एडजस्ट भी कर सकते हैं आप इसको, है ना। उसके बाद फॉर्म व्यू दे सकते हैं, फॉर्म व्यू में जाकर यहाँ पे आप जो भी लिखना है टाइप करना है किस क्लास में है वो टोटल यहाँ से लिख सकते हैं, फ़ोटो भी लगा सकते हैं जो भी है। ये टोटल बता चुका हूँ कैसे फॉर्म बनाते हैं, देखिए पहले फॉर्म बनाया हुआ हूँ, ये फॉर्म का देखिए, देखिए सब फॉर्म बना हुआ है पहले से, फॉर्म में है। उसके बाद क्या है, ये देखिए ये तो अभी बताया हूँ,
उसके बाद चलते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इधर है। फॉर्म डिजाइन है, फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करके यहाँ से अब फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये सब टोटल बता चुका हूँ, जैसे इसमें कुछ लगाना है बटन वगैरह तो बटन वगैरह लगा सकते हैं, इस तरह बटन कैसे लगाते हैं वो भी हम बता चुके हैं, जो कि इसमें लेआउट व्यू, रिपोर्ट व्यू, टोटल इसको जो भी है फाइल को ओपन करके टोटल आप देख सकते हैं यहाँ से, डिजाइन व्यू टोटल हम लोग पहले बता चुके हैं। देखिए यहाँ बटन लगाना जो भी है, यहाँ पे बटन सब लगा हुआ है, यहाँ से ओपन, सेव, टोटल जिसका बनाना चाहते हैं उसका अंडू है, उसके बाद है नेक्स्ट, प्रीवियस, टोटल इधर बना हुआ डाटा को आप देख सकते हैं यहाँ से, ये सब कैसे बटन लगाया था टोटल बता चुका हूँ। फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म अगर इस तरह लेना है तो यहाँ से ये सब बता चुका हूँ, ब्लैंक फॉर्म यहाँ से लेकर इस पर क्लिक कीजिएगा, जिसका डाटा चाहिए उसका वन बाई वन करके डबल क्लिक कीजिएगा, इधर आते जाएगा, आप उसको फिर फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं फॉर्म विजार्ड में, फॉर्म विजार्ड का भी हो चुका है, जैसे मैं यहाँ से लेते फॉर्म विजार्ड, यहाँ से भी डाटा को क्लिक करके जो भी बना रहेगा उसको, स्टूडेंट नेम लेना है ये टोटल ले सकते हैं, जो जो चाहिए कॉन्टेक्ट वो ले सकते हैं, टोटल हम लोग बता चुके हैं। नेविगेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लेना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपका डाटा इधर तैयार होगा, देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट नेम, यहाँ ये सब कुछ दे रहा है, सबको फिर क्लोज करते हैं, क्लोज और कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। उसके बाद नेविगेशन मोर फॉर्म हो गया, मल्टीपल आइटम डाटाबेस, यहाँ से क्लिक करके मल्टीपल डाटा को देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाना भी हम बता चुके हैं, रिपोर्ट में ये बना बनाया रिपोर्ट जो भी आप बनाए रहेंगे उसको बना बनाया फीड कर देगा, बता देगा, अगर अपने से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं यहाँ से, डिजाइन रिपोर्ट, डिजाइन रिपोर्ट डिजाइन, या फिर ब्लैंक रिपोर्ट से या रिपोर्ट विजार्ड से, तीनों का काम यही है, एक एक करके डाटा को फीड करना है, यहाँ से एक एक करके डाटा को फीड करके आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, ये टोटल सब बताया हुआ है, लेबल लगाना चाहते हैं तो इसमें लेबल भी लगा सकते हैं, क्लिक कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट नेम से लगाना चाहते हैं स्टूडेंट नेम से लगा सकते हैं, देख रहे हैं लेबल, स्टूडेंट नेम, फादर नेम्स, एड्रेस, ये सब का लेबल बना सकते हैं, देख रहे हैं इसका लेबल बन गया, जो जो क्लिक किया वो सब नेम से आ गया यहाँ पे, फिर क्लोज करेंगे, यहाँ से क्लोज ऑल कर देंगे। उसके बाद क्या है, फिर टेबल्स, लेबल हो गया, मॉड्यूल्स है, माइक्रो है, माइक्रो से भी आप रिकॉर्ड, जैसे हम लोग वर्ड एक्सेल में किए थे उस तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में रिकॉर्ड करना, ग्रुप में करना, इफ में जो भी है वहाँ से आप कर सकते हैं, कुछ भी लिखिएगा वो रिकॉर्ड करेगा। देखिए अलग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाता है टोटल, देखिए ये सब रिकॉर्ड हुए, तो आप इस तरह देख सकते हैं, क्लास मॉड्यूल्स है, टोटल आप क्लिक करके आप बनाइए, सीखिए, क्योंकि टोटल क्लास करा चुका हूँ, तो इसमें क्या है, आप टेबल, स्टूडेंट टेबल बनाना सीख सकते हैं, क्यूरीज बनाइए, फॉर्म, रिपोर्ट, टोटल का इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस करने का है, पहले सब क्लास बता चुके हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।